हिरेन शास्त्री ने अलीयन वलीउल्ला कहने वाले धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था। हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी। एक जिन नमस्कार, आज बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, जो सोशल मीडिया से जन्मे एक ऐसे बाबा हैं जिनके बारे में लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार अपने बेबाक बयानों से चर्चा में रहने वाले, लगातार पत्रकारों से अभद्रता करने वाले, बड़े बड़े भाषण देने वाले और चमत्कार दिखाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज माफ़ी मांग रहे हैं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि कोई षड्यंत्र कर रहा है। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफ़ी मांगकर ये कह रहे हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी देवी देवताओं का वो सम्मान करते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं, सबसे पहले उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। देखो, ये देखिए, मौला अली वाली चर्चा है। ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से छोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी। यूँ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार आप सब ने देखे हैं, पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी बाबा हैं और वो बिना पूछे ही आपके मन की बात जान लेते हैं। आप उनके दरबार में पहुंचिए, वो आपकी सारी ABCD बता देंगे। लेकिन आज जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, तो ये सवाल उठ रहा है कि चमत्कार दिखाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आज माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। जिस तरीके से उनके वीडियोस सामने आते हैं सोशल मीडिया पर, उनके चैनल्स पर जो वीडियोस सामने आते हैं, उन तमाम वीडियोस को देखकर यही प्रतीत होता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साक्षात प्रभु मौजूद हैं, भगवान मौजूद हैं, और प्रभु जिनके साथ मौजूद होता है उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होते। वो जो बोलते हैं वो सटीक बोलते हैं और सटीक बोलकर उस पर कायम रहते हैं। लेकिन आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, और माफ़ी मांगने की वजह क्या है? एक मुस्लिम मौलाना और उन मौलानाओं के साथ कई और मौलाना लोग एक शिकायत लेकर लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के एक थाने में एक तहरीर दी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसने हज़रत अली के खिलाफ एक गलत टिप्पणी की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ये मौलाना लोग थाने पहुँच गए और उन्होंने कहा लखनऊ में कि भाई गिरफ्तार कर लीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। उन्होंने साक्ष्य भी पेश किए, बोला देखिए हमारे पास वीडियोस भी हैं, तो आप इन वीडियोस को देखिए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार कीजिए। उसके बाद क्या कुछ मौलाना ने कहा मीडिया से, वो भी सुन लेते हैं। जो महापुरुष हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने उसको पाखंडी कहा है। उसने कुछ रोज़ पहले तमाम दुनिया के इंसानों की आस्था को ठेस पहुँचाई है हज़रत अली की शान में गुस्ताखी करके। हज़रत अली की ज़ात के लिए मैं ये बता दूं आपसे कि हज़रत अली कौन हैं। वो इस्लाम के वो अहम रुकन हैं कि अगर उनको इस्लाम से हटाइए तो इस्लाम में कुछ नहीं रहता है। उनका सम्मान हमारे मुरारी बापू करते हैं, जब अपने प्रवचन शुरू करते हैं तो अली अली मौला कहते हैं। ये हैं हज़रत अली, इतनी बड़े बड़े हिंदू कितना उनका सम्मान करते हैं ये आपको सब मिल जाएगा। तो उनकी शान में उसने गुस्ताखी की। तो मैं आज यहाँ चौक कोतवाली आया था तो मैंने तहरीर दी, चूँकि हमारे मुल्क में संविधान है और मुल्क के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की मानने वाले की आस्था को ठेस पहुँचाता है तो 153A और 295A, ये दो धाराएं ऐसी हैं जिसके ऊपर मुकदमा होता है। मैंने उन धाराओं के तहत मुकदमा करने की डिमांड की है, हमारी तहरीर को ले लिया गया है और कहा गया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने रिसीविंग ले ली है, चूँकि बहरहाल आज अलविदा है, रिसीविंग ले ली है और रिसीविंग लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं।
अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आगे की ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं, सारे रास्ते हमारे लिए ओपन रहेंगे, क्योंकि हमने जो एविडेंस थे वो भी दे दिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में बैठते हैं और बागेश्वर धाम की महिमा भी पूरी दुनिया को बताते हैं। आज उनकी संपत्ति भी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है, उनके भक्तों की संख्या भी भारी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है, तो सवाल इस बात पर है कि उनके भक्त क्या करेंगे। जो भक्त बुलडोजर चलाने की बात सुनकर खुश हो जाया करते थे, आज उन भक्तों के दिल पर क्या बीत रही होगी। जो भक्त इस बात पर खुश हो जाया करते थे कि फला धर्म के लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इकट्ठा कर रहे हैं, वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आखिर उन भक्तों का क्या होगा। सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस माफीनामे को लेकर, और आपको क्या लगता है क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माफ़ी मांगनी चाहिए थी? अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बोला था। वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन विवादित कुछ बोला था, उसका अंश हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अली और बजरंग बली की बात ज़रूर हुई थी, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भाई एक जिन आया था और जिन अपना नाम अली बता रहा था, तो उसने कहा अली और हमने कह दिया हमारे पास है बजरंग बली। तो इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश। हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ, इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी। एक जिन कोई नाम रख लेता, जिन में फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी, तब हमने कहा कि ऐसा नाम नहीं लेते हैं, और हमने फिर कहा कि बजरंग बली। तो हम सबको यही कहेंगे कि वीडियो का दुष्प्रचार ना करें, और आपको भी कहेंगे पत्रकार महोदय कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, न रहेंगे। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का माफ़ी मांग लेना ठीक है? इसका उनके भक्तों पर क्या असर पड़ने वाला है, उनके अनुयायियों पर क्या असर पड़ने वाला है, उनके मानने वालों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।